जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है 9:15 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है। भाई आपके लिए कविता बताना है धूमिल की, भाई कविता कौन सी है बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। राजन जी, शिल्पा जी, नीरज जी, हिंदी साहित्य जी, मोचीराम है, या फिर अकाल दर्शन, या फिर नक्सलबाड़ी, या फिर रोटी और संसद। 1186 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि मोचीराम, यहाँ पर जो विकल्प नंबर एक है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है। मोचीराम कविता धूमिल की मानी जाती है और इसमें जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की गई है। तो विकल्प नंबर एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन है बताइएगा। नेमिचंद्र जैन है, कुंवर नारायण सेन है, वीरेंद्र कुमार जैन है, या फिर यहाँ पर डॉक्टर बिश्वंभरनाथ उपाध्याय हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कंचन जी, नीता जी, पिंकी गौर जी। क्या होगा सही आंसर? समकालीन कविता के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि डॉक्टर बिश्वंभरनाथ, बिश्वंभर उपाध्याय। डॉक्टर बिश्वंभर उपाध्याय आपका यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, 88 क्या पूछा गया है देखिएगा। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है, ये आपके लिए बताना है। जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा सही आंसर बताइए। चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, ये आपके लिए चयन करना है। मनीषा सिवी जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है देवव्रत जी, सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ये जो कथन दिया गया है ये पंत जी का कथन माना जाता है। विकल्प नंबर तीन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 89 पूछा गया है कि छायावाद के मूल के पश्चात रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक का है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 1189 वा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या होगा 89 में सही आंसर बताइए। 89 वा क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये जो विचार है किस आलोचक का माना जाता है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी जी का ये विचार माना जाता है। विकल्प नंबर जो सी है यशवंत जी, भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विद्या निवास मिश्र कृत निबंध संग्रह आपके लिए बताना है। कौन से निबंध संग्रह यहाँ पर विद्या निवास मिश्र के हैं बताइए। कदम की फूली डाल, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पंछी, और बंजारा मन, और साहित्य की चेतना, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कल्पना जी, एक 1190 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 1190 में आप सभी का सही आंसर होगा कि उपर्युक्त सभी जितने भी निबंध यहाँ पर दिए गए हैं वह विद्या निवास मिश्र जी के ही निबंध माने जाते हैं। तो डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी देखिएगा। क्या पूछा है आपसे, सर्वप्रथम पूछा है लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में, या फिर इलाहाबाद में।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 91 पूछा गया है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर, लंदन में। यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो एक है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सर्वप्रथम पूछा है तो लंदन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 92वां क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किस छायावादी कवि की है। वह छायावादी कवि बताने अंश जी कौन है, वह छायावादी कवि पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला है, महादेवी वर्मा है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर ये पंक्ति अपन ने कई बार पढ़ी है, नारी तम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति प्रसाद जी की मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो बी वाला है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 93वां क्वेश्चन है, इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है। तो देखिएगा, दिनकर की कृति अपन ने पढ़ी है, कौन कौन सी दिनकर की कृति यहाँ पर हैं और नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं में चयन कीजिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा, ये तो दिनकर की कृति है। रसबंती, ये भी दिनकर की कृति है। होमकार भी है, लेकिन वैदेही वनवास जो है, वैदेही वनवास कृति दिनकर की नहीं मानी जाती है। तो विकल्प नंबर दो यहाँ पर सही आंसर है, किसकी रचना मानी जाती है वैदेही वनवास, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 94वां क्वेश्चन है, मधु कलश के रचनाकार का नाम बताइएगा। मधु कलश किसकी रचना मानी जाती है, हरिवंश राय बच्चन या फिर बालकृष्ण शर्मा, नवीन अयोध्या सिंह उपाध्याय या फिर रामधारी सिंह दिनकर। दीपक जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 94 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 94 में एक सही आंसर होगा, यानी कि एक में हरिवंश राय बच्चन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। हरिवंश राय बच्चन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। मधु कलश के रचनाकार पूछा गया है, बच्चन जी माने जाते हैं। वैदेही वनवास हरिवंश की रचना है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है, 95वां क्वेश्चन दिया गया कि उर्वशी का प्रकाशन वर्ष बताइएगा, इसका प्रकाशन कब हुआ था। उर्वशी का बताना है 1960 में, 1961 में, 1962 में या फिर 1963 में, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, और उर्वशी का रचना काल बताना है, प्रकाशन वर्ष बताना है, तो 1961 आपका यहाँ पर 95 में जो बी वाला विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर दो। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, कौन सा यहाँ पर दिया गया है 96वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकालीन कवि नहीं है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है समकालीन कवि नहीं बताना है, रघुवीर सहाय, प्रताप सहगल, अरुण कमल या फिर धर्मवीर भारती, बताइए। निम्नलिखित में से एक समकालीन कवि नहीं है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नहीं पूछा गया है, तो विकल्प नंबर आपका जो डी है वह सही आंसर होगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये जो है समकालीन कवि नहीं माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर चार जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया कौन सा, 97वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से त्रैमासिक पत्रिका आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है। त्रैमासिक पत्रिका पूछा गया है, तो देखिएगा, हंस है, आजकल या फिर वाक या फिर कथादेश, त्रैमासिक पत्रिका कौन सी मानी जाती है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 97 है और 97 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी सही आंसर है, वाक जो है ये जो है त्रैमासिक पत्रिका मानी जाती है, विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर तीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 98वां क्वेश्चन,
क्या पूछा गया है देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 98। दोनों दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रहते हैं, मैं अब कैसे उनमें अनदेखे सेंध लगा दूं या भर विस्फोट उसे उड़ा दूं। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं बताइए। यज्ञ की हैं, केदारनाथ अग्रवाल, मधुसूदन पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा गया है और 98 में आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा। विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही, अज्ञेय आपका यहां पर सही आंसर है अंश जी। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी यहां पर चयन किया है अज्ञे उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 99 पूछा गया कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्य का अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका माना जाता है बताइएगा। चयन कीजिएगा, डॉक्टर बच्चन से हैं या डॉक्टर वासुदेव से हैं, डॉक्टर नामवार से हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है देवव्रत जी। क्वेश्चन नंबर 99 में प्रगतिवाद समाजवाद की साहित्य का अभिव्यक्ति है, एक कथन किसका माना जाता है, तो डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1200 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइक अवश्य कर लेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रगीत में भला कौन भय, भारत भाग्य विधाता है, फटा सो तन्ना पहने जिसका हर हर चरना गुण गाता है। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं, शमशेर बहादुर से हैं या फिर नागार्जुन या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बताइए। चयन कीजिएगा, चार विकल्प दिए गए हैं सुभाष चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 1200 है, 1200 में आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर एक आ रहा है कि रघुवीर सहाय की पंक्तियां मानी जाती हैं, विकल्प नंबर ए जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यह किसका कथन है कि नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभावों में भी जन्मे हैं तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है बताइएगा। ये आपके लिए बताने कथन किसका है, क्वेश्चन नंबर एक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 1201 बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये कथन माना जाता है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर रुचि यादव जी जोशी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये प्रकाश चंद्र गुप्त जो है उन्हीं का माना जाता है ये कथन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 1202 का क्वेश्चन है, मारो 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 हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है, पंक्ति ये बताना है बताइए। महत्वपूर्ण पंक्ति कथन से संबंधित क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जो कि ये कथन और पंक्तियां आपके क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्ति है, अज्ञेय की, नागार्जुन या फिर रघुवीर सहाय की पंक्ति है बताइए। चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और आप सभी का यहाँ पर 2 में सही आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति मानी जाती है, विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 क्या पूछा गया है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तार सप्तक के संपादक आपसे पूछा गया है, तार सप्तक चार तार सप्तकों का संपादन किया है किन्होंने, ये आपसे पूछा गया है। चयन कीजिएगा, मुक्तिबोध ने, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या धर्मवीर भारती। देखिएगा, प्रथम सप्तक 1943, द्वितीय सप्तक 1951, तृतीय सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1969
1979 है यहाँ पर। इस प्रकार जो है चारों सप्तकों का प्रकाशन दिया गया है और किन्होंने किया है आगे आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है भाई आप सभी का सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 4वां क्वेश्चन है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ पर आज यहाँ कल वहां चले, ये आपके लिए बताना है ये पंक्तियां किस कवि की हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही आंसर चयन कीजिएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, और यह पंक्ति मानी जाती है माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर यहाँ पर भगवती चरण वर्मा या नरेंद्र शर्मा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और भगवती चरण वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका जो सी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है, 1943 से, या फिर 1949, 1953 या 1959। चारों सप्तकों का आपके लिए जो है ट्रिक बताना है, चारों सप्तकों की लिखिएगा, सभी लोग अलग अलग लिखिएगा। और प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ माना जाता है 1943 ईस्वी से। विकल्प नंबर 1 जो है भाई आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, अच्छे पूछा गया है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किस कवि की है बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। ममता जी चयन कीजिएगा, वंदना जी क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आना है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की क्या है पंक्ति मानी जाती है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नीतू गुप्ता जी विकल्प नंबर 1 जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। साखी के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइए। साखी के रचयिता पूछा गया, विजय देव नारायण शाही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, शमशेर बहादुर से है या नागार्जुन है। तो 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा। 4 विकल्प हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि विजय देवनारायण शाही आपका यहां पर सही आंसर होगा। तो विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है विजय देवनारायण शाही उनका यहां पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहां पर पूछा गया है, 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है। मुक्ति प्रसंग बताना है, नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देवताली, कीर्ति चौधरी या फिर राजकमल चौधरी। हाँ तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा देखिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार लिखते भी जाएं कि किस सप्तक की ये जो है ट्रिक है सरोज रावल जी, मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति मानी जाती है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ बताइए। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आपके लिए चयन करना है, सभी के लिए मुस्कान जी, नीता जी और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ पूछा गया है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1923।
क्या होगा सही आंसर 1954 लगा देते हैं। विकल्प नंबर सी में सही आंसर जिन्होंने तीन चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है। भाई सप्तक आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है ये आपसे पूछा गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 10 में नीतु जी, बहुत बढ़िया 10 का सही आंसर होगा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला है तो दूसरा सप्तक, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया कौन सा, 11वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उप शाखाएं हैं, ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्रणित हैं और एक दूसरे की पूरक हैं, ये कथन किसका माना जाता है ये आपके लिए चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 1211वां क्वेश्चन, 1211 में आपके लिए चयन करना है तनु जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने विकल्प नंबर एक चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है ये इन्हीं का कथन माना जाता है। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 1212वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए हम तुम, अरे जीवित रह गए तुम। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं, शकुंत मातुर की, अज्ञे नगरजोन या फिर मुक्तिबोध, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और ये पंक्तियां पूछी गई हैं तो ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी, ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है सही आंसर होगा, यानी कि मुक्तिबोध, मुक्तिबोध आप सभी का सही आंसर है। देखिए इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम जीवित रह गए तो मुक्ति कैसे होगी, तो मुक्ति से क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध आपका विकल्प नंबर जो डी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया है कि कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रेरणानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है, ये कथन किसका है, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर विद्या निवास मिश्र, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 13वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर एक, यानी कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका जो विकल्प नंबर एक है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 14वां क्वेश्चन की, निंदिया सताव मुहे सज ही से सजनी, यह पंक्ति किस कवि की मानी जाती है ये आपके लिए बताना है, बताइए कौन से वह कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, अज्ञे निराला या फिर शमशेर बहादुर सिंह, ये पंक्ति आपके लिए बताना है किस कवि की पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी गई है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि पंक्ति मानी जाती है किनकी, शमशेर बहादुर सिंह की, विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर चार, विकल्प नंबर चार आपका सही आंसर है शमशेर बहादुर सिंह, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर
15 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, यह कथन किसका माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कथन पूछे जा रहे हैं और आप सभी का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए, मुंशी प्रेमचंद, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये जो कथन है ये कथन माना जाता है मुक्ति बोध का। किनका? विकल्प नंबर आपका जो सी है, रीना तिवारी जी, पुष्पा भारती जी, तीन वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया वैष्णवी जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 1216 पूछा है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की मानी जाती हैं? ये बताना है, नवीन की या फिर त्रिलोचन, नागार्जुन या फिर मुक्तिबोध, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये पंक्तियां तो मानी जाती हैं किनकी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने भी त्रिलोचन चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, त्रिलोचन की पंक्तियां मानी जाती हैं, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर जो बी है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है, कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आपके लिए यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर 17 में जो है सही आंसर होगा बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी जो है सही आंसर है, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सेन सुमन, त्रिलोचन और रांगे राघव, ये वाला विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर चार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 18 पूछा गया है, देखिएगा 18वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये रहा 18वां क्वेश्चन है कि कौन सी कृति धर्मवीर भारती की नहीं है। देखिए क्या पूछा है, नहीं पूछा क्या है आपसे, ठंडा लोहा ये तो धर्मवीर भारती की कृति मानी जाती है, कनुप्रिया भी मानी जाती है, सात गीत वर्ष ये भी मानी जाती है, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख ये कृति नहीं मानी जाती है धर्मवीर भारती की, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि विकल्प नंबर तीन जो है, खुशबू के शिलालेख की रचना किन की मानी जाती है बताइएगा कमेंट में, किसको पता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 19वां क्वेश्चन, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। 12वां क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर अंत चेतनावाद, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत बढ़िया नीतू जी और दीपचंद जी, आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, किस काव्यधारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ है, तो आप सभी का सही आंसर होगा प्रयोगवाद का। विकल्प नंबर बी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, प्रयोगवाद जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 20वां क्वेश्चन है, गिरजा कुमार माथुर की कृति बताना है, कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर की मानी जाती है अंजलि जी बताइए, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, गिरजा कुमार माथुर और इनकी एक कृति मानी जाती है कौन सी, लाइक कर लीजिएगा जल्दी से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वह लाइक करते जाइएगा वीडियो को, और आपका कल्पांतर जो है, कल्पांतर ये कृति मानी जाती है किनकी, गिरजा कुमार माथुर की। विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, जिन्होंने ये चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर बताया, मतलब कि पता था, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है बताइएगा, तार सप्तक का कवि कौन नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल या फिर केदारनाथ सिंह, रेमी चंद्र जैन या फिर रामविलास शर्मा, और आप सभी का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 में,
क्या होगा सही आंसर? 21 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा, यानी कि केदारनाथ से है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा 22वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, तो कौन जो है स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे या सत्यनारायण कविरत्न? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर 22 में सही आंसर आ रहा है कि स्वच्छंदतावादी कवि नहीं पूछा है आपसे, नहीं में आप सभी का सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? राम नरेश त्रिपाठी विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया विकल्प नंबर दो, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 23 पूछा गया है, देखिएगा 23वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, शमशेर बहादुर से हैं किस सप्तक के कवि हैं, ये आपके लिए चयन करना है, बताइए। शमशेर बहादुर से हैं किस सप्तक के कवि हैं, ये आपके लिए बताना है, चयन करना है, सभी लोग चयन कीजिएगा। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? तो क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है सही आंसर है, यानी कि बी में आपका क्या होगा सही आंसर? बी में आपका दूसरा सप्तक यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर दो जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर दो जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा, देखिएगा 24वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है शुक्ल जी ने, इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? देखिएगा शुक्ल जी ने माना है प्रसाद को, मुकुटधर पांडे को, पंत को या फिर निराला जी को? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? शुक्ल जी ने बताना है इनमें से किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है, जो सभी के लिए पता है, क्या पता है? मुकुटधर पांडे, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर का विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 25वां क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये पूछा गया है आपसे, तो आप सभी का सही आंसर 1943, 1957, 1959 या फिर कोई नहीं, चयन कीजिएगा रिंकी जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1959, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो डी है सॉरी सी है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1959 में तीसरे सप्तक का प्रकाशन और 1979 में चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है, बताइए। नहीं पूछा राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर श्रीधर पाठक? और आप सभी का यहाँ पर 26 में सही आंसर आ रहा है कौन जो है राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि नहीं है, तो नहीं में आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा डी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रीधर पाठक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं है, विकल्प नंबर चार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 27 पूछा गया है, क्या पूछा है ये आपसे यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वाणी बारी कणों को, उपर्युक्त पंक्तियां जो हैं जो आपके लिए बताना है कि किस कवि की हैं, ये पंक्तियां आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। 27वां क्वेश्चन है,
1227 में चयन करना है, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा, ये नागार्जुन जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है यहाँ पर, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी आपसे पंक्तियां पूछी गई है कि घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मुख निस्तब्ध वनांतर, व्यापक अंधकार में सुकड़ी कोई नर की बस्ती भयंकर, ये आपसे पूछा गया। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की मानी जाती हैं बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 48वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और 48 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, लाइक कर ले सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और मुक्तिबोध आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो एक है भाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, मुक्तिबोध जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 29 पूछा गया है, यहाँ पर भी आपसे जो है पंक्तियाँ ही पूछी गई हैं, जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, वो हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही, उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्तिबोध की ये पंक्तियाँ मानी जाती हैं, किस कविता से ली गई हैं ये आपके लिए बताना है, तर्पण से, चांद का मह टेढ़ा है, खोल आंखें या मृत्यु और कभी, ये पंक्तियां जो हैं मुक्तिबोध की पंक्तियां मानी जाती हैं, उनकी किस कविता से पंक्तियां ली गई हैं, 29वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और 29 में आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, खोल आंखें, विकल्प नंबर जो सी है वह आपका यहां पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर तीन आपका यहां पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर तीन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नागार्जुन जी की रचनाओं का सही क्रम आपके लिए बताना है, कौन सा क्रम यहाँ पर सही होगा चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आप सभी का यहाँ पर 30 में सही आंसर होगा कि नागार्जुन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा, यानी कि युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था, ये रचना जो है नागार्जुन जी की रचनाएं सही अनुक्रम पूछा है, विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, कौन सा 31वां क्वेश्चन है देखिए, महत्वपूर्ण है, हरी बिछली घास दौलती कलगी झर हरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नब की अकेली तारिका, उपरोक्त काव्य पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से ली गई हैं, ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां अज्ञे की मानी जाती हैं, उनकी किस कविता से ली गई हैं, बाबरा अहेरी, सांप, कलगी बाजरे की या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, देखिएगा यहाँ पर लिखा ही है बाजरे, यहाँ पर पंक्ति में बाजरा आया है, तो कलगी बाजरे की जो है उसी से पंक्तियां ली गई हैं, अज्ञेय की कविता है कलगी बाजरे की, और उसी की पंक्तियां मानी जाती हैं, तो विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा नाम सही नहीं सही है यह पूछा गया है, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या फिर तार सप्तक, चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नाम जो है सही है, तो देखिएगा अपन पहला तार सप्तक नहीं बोलते हैं, इसको सिर्फ तार सप्तक बस बोलते हैं, दूसरा तार सप्तक नहीं बोलते हैं, दूसरा सप्तक बोलते हैं, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इस प्रकार, तो यहां पर आपका सही जो है वह विकल्प नंबर सी आपका यहां पर सही होगा, विकल्प नंबर तीन जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर, प्रयोगवाद की कालावधि आपके लिए बताना है, कब से कब तक मानी जाती है प्रयोगवाद की कालावधि बताइए, कब से कब तक का जो समय है वह प्रयोगवाद के अंतर्गत आता है, संध्या जी, साधना जी और राजन जी, तो आप सभी का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 में, सही आंसर 33 में आपके लिए सही आंसर बताना है, तो बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा, हाँ वैष्णवी जी, बी वाला विकल्प 1943 से 1953 ईस्वी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी जिन्होंने भी चयन किया है
उनका यहाँ पर सही आंसर है, जो कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। तो इस प्रकार के जो है आज की क्लास में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है 9:15 बजे। अब आपकी जो अगली क्लास है वह 4 बजे एक होगी हिंदी साहित्य की, और 2 बजे जो है एमपी जीके की भी होगी। तो जो भी एमपी जीके पढ़ना चाहता है तो 2 बजे जो है आप जुड़ जाइएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नीतू जी, शिल्पा जी, संध्या जी, वैष्णवी जी, तनु जी और अंजलि, कमलेश जी, दीपक पवार जी, साधना जी और वंदना जी, विजयकांत जी, रिया वाड्रा जी, पिंकी जी, मनीषा जी, सरोज, रावल जी, कंचन जी, रीता जी, ममता, मेहता जी, आरती आजमगढ़ जी, राबिता जी, तनु जी, दीपक जी, सुभाष चंद्र जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो है लाइक शेयर करते रहिएगा। पुष्पा भारती जी, संध्या जी और निशा वर्मा जी, कल्पना जी, देवव्रत पांडे जी, बहुत बढ़िया, राजन जी, रिंकी मौर्या जी, हिंदी साहित्य जी, इसी तरह सभी के लिए रोज जुड़ना है। बहुत सारे लोग अभी जो है जुड़ नहीं रहे हैं, वैष्णवी जी, तनु जी, संध्या कुमारी जी, तो सभी लोग लाइक से अवश्य कर लीजिएगा। छवि शंकर जी, निशा जी, रीना जी और दिया जी, नीतू जी, ममता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।